वहीं इटली के सैलानी को कोरोना वायरस के मामले में बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। वहीं सैलानी जिस रूम में रुका था उसे सीज कर दिया गया है। सैलानी के संपर्क में आए लोगों को भी सतर्क किया गया है। सैलानी ने जूनागढ़ किले का विजिट किया था और अब उसे पॉजिटिव बताया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट आनी बाकी है अभी, लेकिन उन तमाम जगहों पर जहां जहां पर भी ये शख्स कॉन्टेक्ट में आया है लोगों के, उनसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और जिस रूम में ये सैलानी रुका उसे सीज कर दिया गया है। तो सैलानी के संपर्क में आए लोगों को भी सतर्क किया गया है। दरअसल ये इटली का सैलानी है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड बताया जा रहा है। रौनक जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अब रौनक, आखिर अब किस तरीके से एहतियात जो है उभरती जा रही है, किस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरह से पूरे देश व्यापी किया गया, चार देशों से वीजा को भी बैन किया गया, उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से इटालियन जो सैलानी जैसलमेर से बीकानेर होते हुए जयपुर पहुंचा था, जो पॉजिटिव पाया गया उस जो सैलानी था उसके जहां जहां रुकने के जो ठिकाने वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग जाकर बातचीत कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कहीं बाकी जो लोग हैं वो तो इन्फेक्टेड नहीं है। इस पूरी कवायद को लेकर जयपुर रोड स्थित एक होटल है उसे पूरी तरह से उसके कमरे को बंद किया गया है। वहां का जितना स्टाफ है उसकी जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएस है वो मौके पर पहुंचे हैं। 17 लोग जो है जिनसे जो इटालियन सैलानी है जिससे मुलाकात हुई उन तमाम लोगों की जांच की गई और उन्हें ये हिदायत दी गई, अगर आपको जुकाम है किसी तरह की दिक्कत है तो आप स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कीजिए और बाहर जाने के लिए भी मना किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो कवायद है इसमें हाई अलर्ट जो है स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है और काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अहम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों के संपर्क में ये शख्स आया है उन्हें अलर्ट रहने के लिए यहां पर किया गया है और इसके साथ ही जो आम जानकारी है कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच सजगता फैलाने के लिए, सजग रहने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये इटली से लौटा था पर्यटक जो, वहीं इसे लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।